रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज चौथा रोज़ा है और आज जो है ना हमने सोचा है कि आज हमने आप लोगों से शेयर करनी है आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो माशाल्लाह से सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि दो चार रोज़ में ही सब कुछ हो गया, तो निकाह जल्दी जल्दी से करना पड़ा क्योंकि ऊपर से फसलों की कटाई, फिर माह रमज़ान का महीना। तो फिर माह रमज़ान का महीना जब आया तो हम माह रमज़ान के महीने में मसरूफ़ हो गए। तो मेरी काफ़ी सारी बहनों ने ये सवाल किया कि आपने तो बताया ही नहीं कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ किया है। तो मैंने आज सोचा है कि आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए, सवालों के आपके जवाब दे दिए। तो हर तरफ फसलों की कटाई की जा रही है, चारों तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी फसल अभी खड़ी हुई है। तो क्योंकि फसल कुछ इस साल ना इतना जल्दी कटाई शुरू कर दी गई है कि अभी गीली फसल है, कुछ हार्वेस्टर से कट रही है, कुछ रेपर से, कुछ बम्बू से, यूँ कहे कि हर तरफ भाग दौड़ मची हुई है। तो 10 दिन के अंदर अंदर 10-15 दिन के अंदर ना फसलों की कटाई जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हमारा भी मशीन आने वाली है, आ जाए कल लाए, हो सकता है एक दो दिन तक रेपर से कटा के ना तो थ्रेशर लगवाएंगे। लेकिन तो फिर सोचा कि नहीं भी, मौसम अभी मौसम के हालात वाले भी यही बता रहे हैं कि मौसम के हालात थोड़े ख़राब होने वाले हैं क्योंकि बारिश अगर होगी ना तो फिर फसलों की कटाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम हार्वेस्टर से ही कटवा लेते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम दिया हुआ है, जैसे ही हार्वेस्टर वाला आज या कल तक जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह हमारी फसलें भी कट जाएंगी। लेकिन हाँ, तो अभी जो है ना हम आ चुके हैं अपने घास में और घास की फसल में और अनार के पौधे के साथ हम खड़े हुए हैं। तो आज हमने सोचा है कि इधर ही बैठ कर थोड़ा खुले महल में, क्योंकि सुबह से अंदर कमरों में बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने सोचा है कि थोड़ा घूम फिर भी लेंगे और खुले माहौल में बैठ कर आसानी से बात भी कर लेंगे। तो अभी इधर बैठ जाते हैं, बैठ कर फिर आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला आप मेरी बहनों का सबसे पहला सवाल यह है कि आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपकी कितनी बेटियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक ही बेटी है माशाल्लाह से, और दो बेटियाँ मेरी देवरानी की हैं। तो मेरी देवरानी की बड़ी बेटी यानी इब्रार की बहन, हमने उसका निकाह किया है। तो काफ़ी सारी मेरी बहनों का ये सवाल था कि आपकी अपनी बेटी का निकाह है या इब्रार की बहन का निकाह है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इब्रार की बड़ी बहन का निकाह है। इब्रार से तो छोटी है लेकिन बहनों में बड़ी है, उसे एक छोटी और भी है। तो मेरी एक ही बेटी है माशाल्लाह से, वो अभी छोटी है, 7वीं क्लास में पढ़ रही है मेरी बेटी। और माशाल्लाह से इब्रार की जो बहन है उसने तलीम माशाल्लाह से मुकम्मल कर ली है। और जो इब्रार की दूसरी बहन है वो मेरी बेटी और इब्रार की दूसरी बहन एक ही क्लास में पढ़ती हैं और एक ही एज की होंगी तकरीबन बराबर, 5-6 माह का जो है ना उसमें उनमें गैप है। एक इब्रार की बहन छोटी है थोड़ी, मेरी बेटी उससे थोड़ी बड़ी है। तो बाकी दो बेटियां जो हमारी है वो थोड़ी छोटी हैं। तो माशाल्लाह से अभी बड़ी बेटी की एंगेजमेंट की है। तो अभी मेरी काफ़ी सारी बहनों का सवाल है कि आपने इतनी जल्दी क्यों की। अभी जो है ना अगला सवाल जो है आप लोगों का कि आपने इतनी जल्दी क्यों की। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे गांव का रिवाज होता है कि शुरू से ही जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक दूसरे का नाम रख दिया जाता है, नाम एक दूसरे के नाम के साथ मनसूख कर दिया जाता है कि इसका रिश्ता इससे होगा। तो यूँ कह लें कि वो रिश्ता पक्का हो जाता है, गांव के मुताबिक वो बिल्कुल पक्का पत्थर पर लकीर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अब इसके नाम से ये जुड़ चुकी है। लेकिन हमने ऐसा कोई मसला नहीं किया, हमारी चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, हमने जैसे ही जब से वो पैदा हुए आज तक हमने कभी किसी बेटी का या बेटे का किसी से भी जिक्र नहीं किया ना करने दिया, और ना ही किसी के ना साथ मनसूख होने दिया। क्योंकि हमारी सोच कुछ गाँव के सवालों से थोड़ी अलग है। हम चाहते हैं जो हमारे बच्चों की ख्वाहिश हो, इंशाल्लाह बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक ही सब कुछ हो, और जो है ना जैसे ही उनकी तालीम मुकम्मल होगी, जैसे ही वो चाहेंगे इंशाल्लाह वैसे ही रिश्ते हो जाएंगे। वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पर होते हैं, तो हमारी बेटी के लिए काफ़ी अरसे से रिश्ता आ रहा था, उन रिश्ते वालों ने कहा कि हमें रिश्ता चाहिए। तो घर वाले सोचेंगे, सब मिलकर सोचेंगे, फिर आप लोगों को जवाब देंगे। तो हम सब लोगों ने सोचा, इब्रार से बैठ कर बात की, उसके अब्बू ने अम्मी ने,
तो उन्होंने सब ने एक ही बात की कि हम अपनी बच्ची से पहले पूछेंगे, तो जैसे वो कहेगी तो वैसे ही करेंगे। तो फिर हमने अपनी बच्ची से पूछा कि आपको कैसा लगा ये रिश्ता, आप इधर शादी करना चाहती हैं या नहीं। तो हमारी बच्ची ने कहा कि जैसे आप लोग चाहें, जो आप लोगों को अच्छा लगे मुझे भी वही मंजूर है। तो जैसे बच्ची खुश तो हम भी खुश, तो हमने रिश्ता कर दिया। और कहाँ रिश्ता किया ये हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वो हमारा रिश्ते में लगता क्या है, तो ये हम आपको आखिर में बताएंगे। सवाल जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और मेरी बहनों ने, काफ़ी सारी बहनों ने ये सवाल किया है कि अभी आपकी बेटी की उम्र इतनी नहीं थी तो आपने इतनी जल्दी उसकी एंगेजमेंट क्यों कर दी। तो उसकी उम्र तो माशाल्लाह वाकई इतनी नहीं है, अभी छोटी है, तो अभी उसकी हमने मंगनी की है, निकाह किया है, शादी नहीं की। काफ़ी सारी बहनों ने कहा है कि आपने इतनी जल्दी क्यों की। मेरे ख्याल में बेटी का रिश्ता जितना भी जल्दी हो सके उतना कर देना चाहिए, क्योंकि है कि जितना जल्दी हो सके बेटी का निकाह कर देना चाहिए। तो हमने अभी निकाह किया है और अभी रुख्सती के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो इंशाल्लाह बेटियां अपने घर की हो जाएं तो यही बहुत अच्छी बात होती है। तो हमारी तो सिर्फ दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को अच्छा घर दे, और अल्लाह ताला हर किसी को अच्छे रिश्ते दे, और जल्द से जल्द अपनी बेटियों को भी आने की वो तौफीक रखे, ताकि जल्द से जल्द बेटियों को ज़्यादा दिन घर पर नहीं बिठाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसीलिए हमने भी सोचा है कि पहले बेटी की कर लेते हैं, बाद में बिरार की देखेंगे। अभी जो है ना दूसरा बाकी अगला सवाल यह है कि काफ़ी सारी मेरी बहनों ने कहा है कि आप लोगों ने इतनी सादगी से एंगेजमेंट क्यों की है। तो उसका जवाब सादा से ही है, सादगी का सवाल जो है ना वो उसका जवाब भी सादा सा ही है कि हमारे देहात में गांव में ऐसा रूटीन तो पहले होता ही नहीं था शुरू में। मंगनियाँ जैसे कि मैंने आपको बहुत बताया ना कि नाम लेकर एक दूसरे से मंसूख कर दिया करते थे और कहते थे मंगनी हो गए। लेकिन आजकल के प्रोफेशनल दौर में जो कहते हैं ना कि जैसे माहौल बदलता है, सब कुछ चेंज होता है, तो थोड़ा सा हमने भी वैसा किया है कि सादगी से निकाह किया है, तो मंगनी भी सादगी से ही। और बाकी रह गई मंगनी वाली बात, तो मंगनी की बात तो थी ही नहीं, तो बस अब दुनिया को देख के दुनियादारी के साथ ही चलना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे कोई चल रहा होता है, जिस तरह का माहौल और जिस तरह का जो रिवाज चल पड़ता है ना, तो फिर वैसे ही करना पड़ता है। तो हमने भी वैसे ही किया है, रिवाज के मुताबिक मंगनी किया है, वरना ऐसा कभी होता नहीं था पहले ज़माने में, ऐसा नहीं होता था। और बस एक दो चार बंदे इकट्ठे होकर तय कर देते थे रिश्ता, और बाद में दो दिन बाद निकाह होता था, और बाकी शादी हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल के दौर में ना निकाह के फंक्शन, शादी के फंक्शन, बाकी के बहुत सारे फंक्शन जो है ना जिन लोगों ने बना दिए, तो अब हम भी करेंगे इंशाल्लाह। रहेगी रुख्सती की बात, तो इंशाल्लाह जैसे रुख्सती का कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हो सकता है माह रमज़ान के बाद बैठकर ये तय किया जाए, तो फिर ये तो ईद के बाद ही पता चलेगा। फिर तो जैसे ही रुख्सती की बात होगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो और इसके अलावा जो है ना, अब आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि आप लोगों ने रिश्ता किया कहाँ है। तो अभी मैं आप लोगों को इस सवाल का भी जवाब देती हूँ कि हम लोगों ने रिश्ता किया कहाँ है। तो माशाल्लाह से रिश्ता हमने अपनी बरादरी में ही किया है, और जो इब्रार की अम्मी है उसकी सगी बहन यानी मेरी बेटी जो जिसका हमने निकाह किया, उसकी सगी खाला और उसका कज़न है। तो हमने अपनी बिरादरी में अच्छे लोग हैं, तो उन यानी कि अपने ख़ानदान में ही किया है, और अपनी कज़न को कज़न के साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया है, और जो है ना इब्रार की सगी खाला है। और इसीलिए ना आप लोगों ने पहले तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआ करनी है, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने अभी एक बेटी का रिश्ता तय किया है यानी कि निकाह किया है, और इसके बाद जो है ना माशाल्लाह से हमारे तीनों ही हमारी अपनी बच्चियाँ हैं। मेरी भी एक बेटी है, दो मेरी देवरानी की है, और माशाल्लाह से दो देवरानी के बेटे हैं, तीन मेरे हैं। तो इंशाल्लाह, और बाकी रहेगी बट्टे सट्टे की बात, तो ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वट्टे सट्टे के जितने भी मैंने रिश्ते देखे हैं मैं आपको क्या बताऊं, अब इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। और वट्टे सट्टे का रिश्ता ना ही करें तो अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करती रहना है, और इंशाल्लाह हमारी जैसी भी खुशियाँ छोटी छोटी हैं वो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं घर, और घर चल कर कुछ इफ्तारी के लिए भी बनाते हैं, क्योंकि अभी शाम का वक्त हो रहा है। तो हम आज विलेज में चले आए घूमने के लिए, देखने के लिए कि फसलें कहाँ तक कट गई हैं और कहाँ कहाँ से भी रहती हैं।
आइए चलते हैं अभी। अभी जो है ना, मुझे चलते चलते आप लोगों के एक सवाल का अभी याद आ गया कि मेरी काफ़ी सारी बहनों ने मुझसे ये पूछा है कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है तो माशाल्लाह से उसका हस्बैंड जो है ना वो क्या करता है। तो वो भी पढ़ा लिखा है, 12 जमातें उसने भी पढ़ रखी हैं, अभी पढ़ भी आगे भी पढ़ रहा है, लेकिन हमारे गांव के जो लोग होते हैं इतने मॉडर्न तो नहीं होते, वो सादा से ही लोग होते हैं, वो भी सही सादा सा एक आम सा लड़का है, सादा सा बहुत ही अच्छा मतलब बरदार बच्चा है और काम करने वाला बच्चा है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी उनकी ज़मीनें अपनी ज़मीनें हैं और अपनी ज़मीनों के काम वो खुद ही करते हैं, और इसके अलावा जानवर भी उनके अपने काफ़ी सारे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो अच्छा ख़ानदान है। और माशाल्लाह से अभी नमाज का टाइम हो चुका है तो अभी चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने से पहले आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बताते चले कि आप लोगों का आखिरी सवाल था कि आप लोगों ने फलां बंदे को बिठाया, जब उसको बिठाया जिसको बिठाया, तो माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली साथ थी, लेकिन मैं सामने जो यूट्यूब वाले थे सिर्फ वही सामने थे, अब हर किसी को तो सामने हम नहीं बिठा सकते थे, तो सिंपल से ये जवाब है हमारा। तो माशाल्लाह से दुआ करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।